भाई आज करांगे मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। तो रोटी पानी खा के और कॉपी पेन उठा के आ जाओ। पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी मैट्रिक्स के बारे में, और वह बात की थी, एक तो सारा का सारा बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था मैट्रिक्स का, जो भी मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ सका है बेसिक से बेसिक बात वो मैंने थोड़ा बता दी थी। मैट्रिक्स इक्वल क्यों करो अगर मैंने वो थोड़ा बता दिया था। मैट्रिक्स बना क्यों कर है, उसका रीजन क्या है मैट्रिक्स बनने का, मैंने थोड़ा वो बता दिया था। आज हम मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन करांगे भाई, कि भाई मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है और उसको गुणा कैसे किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले देखो भाई, मैं यहाँ पैडिंग लगा देता हूँ, आप भी इसने नोट कर लियो भाई। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन, हमने ऑपरेशन करने हैं, क्रियाएं करनी है मैट्रिक्स के ऊपर। तो वह कैसे करेंगे देखो भाई, सबसे पहले मैं आपने बता दूं, ऐड, एडिशन। भाई मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, हम कैसे किसी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, तो याद रखियो भाई ऐड यो चीज में कराना था। पहले था एक बात पहले डिस्कस कर लूं कि भाई ऐड कब होगा और कब नहीं होगा। देखो मैं क्या लग रहा हूँ, ऐड दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी और कब ऐड नहीं होंगी, वह बात मैं थोड़ा पहले बता दूं। वह बात की है, मैंने थोड़ा पिछली क्लास में एक ऑर्डर नाम की चीज बताई थी भाई, ऑर्डर क्रम बताया था कि नहीं बताया था, अगर नहीं जानता मैं रिवाइज करा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है भाई ए नाम का, एक दो तीन चार पाँच छ, यो मैट्रिक्स है। तो मैंने थोड़ा बताई थी कि जो न्यू पड़े हैं ये लंबे जो है न्यू, ये तो हुआ रो और ये हुआ कॉलम, ठीक है। और हमने ऑर्डर को लिखना बताया था कि पहले नू गिनो रो कितनी है, तो तुम क्या कहोगे दो रो है भाई, एक तो यार रो एक यार रो, तो दो रो है। और कॉलम कितनी है, एक दो तीन, तीन कॉलम है, तो तुमने कहोगे कि दो गुणा में तीन, यो इसका क्या हो गया ऑर्डर हो गया। यह बात मैंने आपको बता चुका हूँ, सिर्फ रिवाइज कर रही मैंने। तो याद रखिए ऑर्डर क्रम हमने देखना है, हमने उनका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर अगर ऑर्डर सेम है ना, मान लो एक तो मैट्रिक्स है यू ए, एक मैट्रिक्स है यार भाई तीन चार पाँच छः सात आठ, एक मैट्रिक्स है। अब देखो इनके ऑर्डर पे ध्यान दो, इसका ऑर्डर क्या है दो गुणा में तीन। अब कोई थर तनुको है कि भाई ए प्लस बी बताओ, ए प्लस बी बताओ, कोई थर तनुको है ए प्लस बी बताओ, तो कि बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे, क्योंकि उन्होंने की पूछी है कि भाई ऐड करो इनको, और हमने देखा कि भाई इनका जो ऑर्डर है दोनों का वो क्या है सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो जोड़ सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम है तो प्लस कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्लस वो देख लो, इसका पहला आइटम इसका पहला आइटम सेम सेम आइटम ठाकर जोड़ते चले जाओ, तीन और एक चार, चार दो छः, पाँच और तीन आठ, छः और चार दस, पाँच और सात बारह, आठ और छः चौदह बाईस, यो हुआ भाई जोड़ना। जोड़ने में कुछ खास दिक्कत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखियो हमने ऑर्डर जरूर चेक करना पड़ेगा। देखो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन भी कराऊंगा ऑर्डर तो उसमें भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन विशेषता ध्यान रखियो जमा के काम में ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, दो गुणा में तीन दो गुणा में तीन। अगर जब मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा उसमें ऑर्डर तो देखना है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट बराबर ना हो तो भी हो जाएगा अगर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, दो गुणा तीन है और दो गुणा तीन है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो यो ना होकर के आपके पास कुछ ऐसा होता, अगर यो ना होकर आपके पास कुछ ऐसा होता भाई, एक दो तीन चार, इसका ऑर्डर क्या बन गया दो गुणा में दो, तो क्या अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि ए प्लस बी बताओ भाई, क्या अब पॉसिबल है, क्या अब इसको ऐड करना पॉसिबल है मेरे को बताओ भाई। सारे बच्चे ध्यान से देखो, क्या अब इसको ऐड करना पॉसिबल है, आप कहोगे नहीं अब ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मान लिया एक के साथ इस एक को जोड़ दोगे, दो के साथ इस दो को जोड़ दोगे, इस तीन के साथ जोड़ने के लिए क्या आपके पास कुछ है, नहीं, इस तीन के साथ जोड़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो यहां पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, नहीं परिभाषित किया जा सकता। तो मैं डिफाइंड का मतलब बता दी हूं, परिभाषित, 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 नॉट डिफाइंड का मतलब है परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर दो गुणा में तीन, अगर यो भी दो गुणा तीन के ऑर्डर में होता तो हम फिर परिभाषित कर सकते या फिर इसने हम जोड़ सकते, तो जोड़ने की तो इतनी सी बात है भाई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हम जोड़ लोगे इस चीज में, ठीक है। गल गल नोट करते रहियो भाई, अच्छा याद थी जोड़ने की बात। अब आ जाओ भाई मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, देखो मल्टीप्लीकेशन दो डालता होगी भाई, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन दो डालता होगी, याद रखियो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन दो डालता होगी। क्यों करोगी, पहले तो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, एक दो तीन चार, यह एक मैट्रिक्स है भाई, ठीक है।
एक तो यह अगर है मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का गुणा करना वह अलग बात है, एक मैट्रिक्स के अंदर कुछ गुणा करना वह अलग बात है। तो पहले मैं दिखाता हूं तुमने कि मैट्रिक्स के अंदर हम कैसे गुणा कर सकते हैं। ये मान लो मैंने बताया कि भाई ए नाम की मैट्रिक्स यह है 1 2 3 4, इन कोई मेरे तुम्हें भाई इसकी दुगुनी मैट्रिक्स बता कितनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे 2a लिख देंगे। क्लियर, क्या लिखेंगे 2a लिख देंगे, दुगुनी मैट्रिक्स बतानी है तो 2a लिख दिया। अब करना कैसे है कि हमने अगर a के साथ 2 की गुणा करी है तो मैट्रिक्स के अंदर देखो जितने भी एलिमेंट है उन सब के साथ 2 की गुणा होगी, सीधी सी बात, सिंपल सी बात। तो 2 की गुणा अगर मैं इनके गल कर लागू तो 2 4 6 और 8 इस प्रकार होगी भाई, तो ये हो जाएगा 2a। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई भी अगर इसमें समस्या हुई तो वो बताओ भाई। अगर मान लो आपको ये कह दे या चीज ना कह वो कह दे माइनस ए, बता भाई माइनस ए क्या होगा। तो ध्यान से देखो माइनस ए कुछ नहीं है, माइनस ए साथ में एक माइनस का एक गुणा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, यह बात है। और माइनस का एक अगर साथ में गुणा होगा भीतर अगर हम गुणा करेंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, जो चीज पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और माइनस चार ये बन जाएगा। तो सीधी सी बात है अपने दिमाग में खोल लो भाई, अपना विस्तार करो दिमाग का, हर एक चीज सिर्फ पढ़ने से नहीं सीखी जा सकती, अपने दिमाग में खोल लो, खुद ब खुद उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करो जब आप ये चीज सीखोगे भाई। तो माइनस एक के अंदर गुणा करी तो हमारे पास माइनस ए भी आ गया। तो ये थी मल्टीप्लीकेशन भाई, कि जैसे मान लो आपके 2a पूछ ले 3a पूछ ले 5a पूछ ले तो कुछ नहीं करना, मान लो 5a पूछ लिया तो अंदर 5 ही गुणा कर दो, बात खत्म हुई ठीक है। तो ये छोटी सी मल्टीप्लीकेशन। अच्छा इसमें और क्या है भाई, आगे कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? हाँ भाई एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं बोर्ड के ऊपर, क्वेश्चन देखियो भाई और वीडियो ने पॉज करके सोल्व करियो भाई क्वेश्चन ने। ए है एक मैट्रिक्स 8 0 4 -2 3 और 6, यो है ए मैट्रिक्स। एक दे रखा भाई बी मैट्रिक्स, यो की है 2 -2 2 1 4 और -5, जो है बी भाई। और एक साथ में एक चीज रखी तथा, देखियो भाई जो मैंने एकमात्र क्वेश्चन ऐसा उठाया है जिसमें सारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ए टू जेड जितने भी सारे डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। तथा 2a प्लस 3x, यो एक्स है भाई, कभी कोई भाई गुणा सोच लिया, यो बड़ा एक्स लाया मैंने, बराबर 5b है। यह चीज गिवन है भाई, यह चीज क्वेश्चन में गिवन है, दे रखी है चीज कि भाई यह कंडीशन दे रखी है, यह कंडीशन। तो एक्स ज्ञात करें, एक्स ज्ञात करें, जो क्वेश्चन है भाई एज इट इज एनसीईआरटी में था भाई क्वेश्चन, एज इट इज एनसीईआरटी में था। इव यो क्वेश्चन जब तुमने सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से इसको, वीडियो पॉज करके सोल्व करके देखियो, नहीं सोल्व हुआ फिर सोल्यूशन देखना है। अब देखो ध्यान से, ए की वैल्यू रखी बी की वैल्यू रखी है, हमने देखा हमारे को एक इक्वेशन सीधे रखी है और उस इक्वेशन वाई क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 2a प्लस 3x बराबर है 5b। अब देखो जैसे ही मेरी 2a पर नजर पड़ी तो मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करा रखा है जो मैंने आवा है, a के अंदर 2 की गुणा करा रखी है, सीधी सी बात है। तो a के अंदर मैं 2 की गुणा करूंगा 16 8 6 -4 और 12, बन सका है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अरे जीरो की जरूरत रह जाएगी। फिर देखा मैंने 3x, तो 3 की गुणा तो कर दूंगा लेकिन मेरे पास x नहीं है, x मैंने फाइंड आउट करना है। फिर मैंने देखा b, b क्या मेरे पास है, b मेरे पास है और गला बीच में 5 की उसमें गुणा करने तो मैं कर सकूं। लिसनर ने मेरे से पूछी भाई x का मान बताओ, अगर x का मान पूछ लिया ना तो सीधी सी बात है एक काम करो, जो x का एलिमेंट है उसने ऑर्डर करके छोड़ दो, बाकी खड़े ले जाओ। अगर मैं देखूं इसने कि ये 3x है तो ये 5b माइनस 2a के बराबर नहीं हो जाएगा भाई, सिंपल मैथमेटिक्स के सिंपल रूल लगाओ भाई, 3x बराबर 5b माइनस 2a उसका है, बिल्कुल उसका है। अगर उसका है तो यह बात छोड़ के मैं सीधी यह बात लिख सकूं कि भाई 3x बराबर है 5b, देखिए ध्यान से 5b माइनस 2a, यह बात मैं कह सकूँ, बिल्कुल कह सकूँ। अब देखो भाई आगे यहाँ पर अगर मैं b को a की वैल्यू पुट कर दूँ तो 3x नहीं आ जाएगा, देखो 3x आओगा x नहीं आओगा, यह बात भी तुमने ध्यान रखनी है, 3x आओगा x नहीं आओगा। अगर मैं b की वैल्यू पुट करता हूँ तो b क्या है 2 -2 4 2 -5 1 -2, a कितना है भाई, a है 8 0 4 -2 3 और 6, कर सकूँ ना, बिल्कुल कर सकूँ। अब देखो भी ध्यान से इसने मैं क्वेश्चन एमिटे हूँ तो निकाल लिया हुआ क्वेश्चन, यू यह चीज़ मैं ऊपर सोल्व करूँगा भाई। अब देखो ध्यान से 3x की वैल्यू क्या निकल सकती है, 3x की वैल्यू निकल सकती है 5 के अंदर गुणा करूँगा तो हो जाएगा 10 -10 और कितना होगा 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 25 और 5, यह आ जाएगा भाई -2 16 0 8 -4, अच्छा
तीन दुनी छः और चार छः दुनी बारह, ये आ गया भाई। देखो समझ में आया, क्लियर है, 3x की वैल्यू ये आ गई। अब देखो मैंने जैसे आपको जोड़ना सिखाया था उसी प्रकार आप घटाना भी नॉर्मल है उसी तरीके से कर सको। अब अगर मैं घटाना लाग जाऊँ इनमें, देखो भाई घटाना लाग जाऊँ तो सीधी बात है 10 में तो 16 घटेगा तो माइनस का 6 आऊगा, माइनस 10 में 0 घटेगी तो माइनस का 10 आऊगा। 20 में तो अगर मैं 8 घटाना चाहूँ तो कितना होगा 12 होगा। 10 में तो अगर मैं माइनस का 4 घटाना चाहूँ, 10 में तो माइनस का 4 घटाऊंगा तो कितना जुड़ जाएगा, यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्लियर। माइनस 25 में तो 6 घटाना चाहूँ तो कितना होगा भाई माइनस का, माइनस 25 माइनस 6 माइनस का 31, 5 में तो 12 घटाऊंगा तो माइनस का 7, और ये किसके बराबर है भाई 3x के बराबर। देखते चले जाओ भाई क्वेश्चन किस प्रकार, कौन सी अप्रोच हमने लगाई, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज हमने सीखी। यारे मैं थरता जादूगरी वाले क्वेश्चन नहीं करना चाहता भाई कि मैं थरते छाट का, मैं तीन चार दिन में मेहनत करके छाट का कुछ एक ऐसा क्वेश्चन लाऊं जिनके आंसर मन भी रहा है और मैंने एक छोटा सा तरीका उनका भी रहा करण कर, मैं वो लिख के थरते एक झटके में उसका आंसर काट के दिखा दो और तुमने सोचो तरीका यू क्या कर दिया, तो वो चीज़ नहीं भाई। मैं थरते बेसिक समझाना चाहूँ कि ये बेसिक में क्या होते हैं, मेन इनकी क्या चीज़ होती है। तो 3x की वैल्यू ये आ गई भाई। अब ध्यान तो देखियो भाई 3x का मतलब यो है, सोचने की बात है, अगर 3x का मतलब यो है तो इसके अंदर अगर मैंने x बार काटना है तो 3 तो भाग करनी पड़ेगी सारा में, सोचो क्योंकि 3 पहले गुणा हो रहा है, अगर 3 पहले गुणा हो रहा है तो सीधी बात इन सारा में 3 बढ़ रहा होगा पहले, क्लियर है बात। अब मैंने आपको समझाया कि 3x की वैल्यू लिया है तो इसका मतलब ये है कि 3 इनके अंदर पहले से गुणा हो चुका है, अगर उसका इफेक्ट घटाना हटाना हो रहा था हमने तो भाग करना पड़ेगा 3, तो अगर मैं x की वैल्यू करना चाहूँ तो सारा में 3 की भाग करनी पड़ेगी, तो 3 की भाग कैसे होगी, पहला मैं इसमें 3 की भाग करूँगा, माइनस 6 बटे 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 10 बटे 3, हटा आ जाएगा 12 बटे 3 मतलब के 4, हटा आ जाएगा 14 बटे 3, हटा आ जाएगा माइनस का 31 बटे 3 और हटा जाएगा माइनस का 7 बटे 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। एक्स की वैल्यू पूछी थी माइनस का 2, माइनस का 10 बटे 3, 4, 14 बटे 3, माइनस 31 बटे 3, माइनस 7 बटे 3, बिल्कुल ठीक है भाई, ये आंसर है अपना, तुमने भी कर लिया होगा, तेरे समझ में भी आ गया होगा भाई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और वह कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी, कोई उसका रास्ता नहीं है, मल्टीप्लीकेशन के इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है भाई, समझ लिया होगा, तार लिया जिसका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ था, ये आसान आसान क्वेश्चन है और प्रैक्टिस के लिए मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा आप एनसीईआरटी की 12वीं किताब उठाओ भाई, चौथा चैप्टर है मैट्रिक्स का, उसने सोल्व करने की कोशिश करो। एक और क्वेश्चन आपके सामने भाई, एक क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, एक्स और वाई ज्ञात करें, एक्स और वाई ज्ञात करें, क्वेश्चन की तरह क्या है भाई, एक्स प्लस वाई बराबर है 5209, एक्स माइनस वाई बराबर है, एक्स माइनस वाई भी दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 3601, 3601 ये दे रखा है भाई एक्स माइनस वाई, और हमारे से इसने पूछा है एक्स की और वाई की वैल्यू तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचो भाई हमारे को एक्स प्लस वाई दे दिया इसने, एक्स माइनस वाई दे दिया, तो कैसे हम एक्स और वाई की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकाल सका हम, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस बालक ने कैलकुलेशन करनी है वो बालक इस क्वेश्चन ने कर सका है, क्यों करेंगे, देखो भाई अगर मैं इसने एक मान लूँ इसी क्वेश्चन ने और इसने दो मान लूँ तो जो अगर मैथमेटिक्स में पकड़ा करते कि एक तथा दो को जोड़ने पर, को जोड़ने पर, क्योंकि मेरे को x और y की इंडिपेंडेंट वैल्यू चाहिए तो x और y कौन से मतलब एक एलिमिनेट हो जाए कोई कट जाए तो मेरा काम चल जाएगा, तो मैंने देखा कि अगर x प्लस y और x माइनस वाई में जोड़ू हूँ तो y प्लस का y माइनस का कट सका है और x दोनों प्लस के ही जुड़ जाएंगे, तो मैंने क्या करा दोनों जोड़ दिए ठाकर ने, तो मैंने क्या करा x प्लस वाई यो प्लस यो एक्स माइनस वाई, क्लियर भाई, और अगर ये जोड़े हैं तो ये भी दोनों जोड़ने पड़ेंगे, हर मैंने जोड़ दिया 5209। क्वेश्चन करने की अप्रोच मेन है भाई, यहाँ पर कोई फार्मूला यूज नहीं कर रहा, हमें क्वेश्चन करने की अप्रोच सीखनी है अपने बस। अब देखो वाई से वाई कट सका है, कट सका है, और एक्स कितने हो गए 2x बराबर कितना होया भाई 5 और 3 8, कितना होया 8, 0, 9 और माइनस 1 कितना होया भाई 8, क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताई 2x की वैल्यू यह है, इसका मतलब यह है कि 2 पहले से ही गुणा हो चुका है, अगर 2 का इफेक्ट मैंने हटाना है तो 2 भाग करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू क्या आएगी अगर 2 का इफेक्ट मैं हटाऊंगा तो बटे में 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा और 0 रह जाएगा, तो यह वैल्यू किसकी आएगी भाई, यह वैल्यू किसकी आएगी x की, और हमारे क्वेश्चन x और y की वैल्यू पूछी थी, x की तो वैल्यू हमने काट दी, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यह चीज़ भी सोचने की है भाई,
एक्स की वैल्यू तुमने काट दी, वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखो भाई। वाई की वैल्यू निकालने का तरीका, जुकर थारा जिकर अनु कर लो। इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, सोचो ध्यान से, अगर मैं इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो, पहले तो आते हैं इस इक्वेशन उठा के इक्वेशन बनाओगे कि भाई एक्स प्लस वाई बराबर यो है, तो वाई बराबर क्या हो सकता है, वाई बराबर हो सकता है 5 2 0 9 -x, हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ भाई। मैंने एक्स ठाकुर छड़ ले गया बस और कुछ नहीं कर, ठीक है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है तो वाई की वैल्यू मैंने काटनी है, तो मैं क्या करूँगा 5 2 0 9 -4 4 4 0 और उठा के घटा दूंगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। घटाने लगे तो कितना आया भाई, आ एक, हड़ कितना आया माइनस का 2, हड़ कितना आया 0, और हड़ कितना आया भाई 5। यह वैल्यू किसकी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई भैया, बिल्कुल ठीक है, एक्स की और वाई की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो इस प्रकार हाँ थोड़ा सा नीचा हो गया 1 0 5, ये दिखता हुआ शायद, हाँ ठीक है। तो एक्स की और वाई की वैल्यू इस प्रकार हमने फाइंड आउट कर ली। तो आप समझ गए होगे कि मैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है भाई। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आप कर सको थे और आपके पेपर में आ जाएंगे, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है जो कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं भाई। आगे देखो कुछ एक क्वेश्चन और है भाई, क्वेश्चन करते चले जाओ भाई, प्रैक्टिस भी थोड़ी होती रहेगी। क्वेश्चन क्या है देखो, 2 × x 5 7 y − 3 + 3 − 4 1 2 = 7 6 15 and 14। यो क्वेश्चन है भाई तारा, यो है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, x और y क्या है, यो क्वेश्चन है भाई कि x और y की वैल्यू बताओ, यो क्वेश्चन है। इतना सा आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो भाई, अगर नहीं सोल्व होता है तो फिर देखो कैसे करेंगे। या सिचुएशन देखो पहले, तो यह जो सिचुएशन है इसमें क्या करेंगे आप, हमने भी रहा कि 2 बार लिख रखा है, इसका मतलब यह है 2 के अंदर गुणा करनी है, वो 2a की वाली बात है, 2 के अंदर गुणा करनी है, तो 2 के अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 2y − 6। यह बात समझिए भाई मैंने क्या कराया, 2 के आड़ गुणा करूंगा तो देखो भीतर गुणा होगी तो 2y हो जाएगा, फिर माइनस का निशान और 3 × 6 आ जाएगा, तो यह चीज़ मैंने करी है, ठीक। प्लस 3 − 4 1 2, एक यह चीज़ रखी है, और यह बराबर किसकी दे रखी है भाई, 7 6 15 और 14 के बराबर, ठीक है। इसको अगर सोल्व करते चले जाओ, अगर सोल्व करते चले जाओ, हमने देखा 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम, देखो 2 by 2 का है ऑर्डर, देखो 2 by 2 का ऑर्डर है, प्लस है तो जोड़ सका आराम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जोड़ लगूंगा तो इस तरीके जोड़ दूंगा, कितना आया 2x + 3, इस तरह से जोड़ दूंगा कितना आया 15, इस तरह से जोड़ दूंगा कितना आया 10 + 10 + −4, मतलब कि घट जाएंगे तो कितना जाएगा 6। अच्छा 2y − 6 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो देखो 2y − 6 + 2 करूंगा तो देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, −6 और + 2 तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्लियर, कितना आ जाएगा भाई माइनस का 4 आ जाएगा, और ये चीज किसके बराबर दे रखी है भाई 7 6 15 और 14 के, ठीक है। पिछली क्लास में, इससे पिछले वाली वीडियो जिस बालक ने नहीं देखी है, आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, देख लियो उस वीडियो ने पहला, उसके बाद इस पाइयो नहीं तो समझ में नहीं आओगी भैया। देखो अब हमने नू भी रहा है, इक्वल है दोनों, तो सीधी बात है या टर्म इस टर्म के इक्वल होगी, या टर्म इसके इक्वल होगी, या टर्म इसके इक्वल होगी, या टर्म इसके इक्वल होगी, तो मैंने भी रहा है कि 2x + 3 = 7, कोई समस्या हो तो बताओ भाई, तो 2x = 4, तीनों साइड जाकर घट जाएगा, इसमें कितना बचेगा 4, तो x बराबर किसके 2 के, बताओ कोई भी समस्या हो तो इसने ठा लो भाई 2y − 4 = 14, या टर्म इसके बराबर होगी तो 2y बराबर, देखो ये माइनस का जाएगा प्लस का होगा तो आ जाएगा 18 भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, या आ जाएगी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9, क्लियर भाई, ये थारे आंसर थे। तो इस प्रकार आपके आगे क्वेश्चन आज का है कि एक बड़ी सी टर्म बना दे देगा और उसने जोड़ घटा गया एंड में x या y की या z की कुछ भी है वैल्यू पूछ लेगा, तो वो भी आपने करना आना चाहिए, मिट रहा हूँ इसने भाई में। ये कुछ क्वेश्चन थे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मैंने कुछ लगे ठीक से तो मैंने काट दिया भाई, बाकी प्रैक्टिस करनी है तो इस टाइप के ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर लोगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। और यो सारा सौदा करने के बाद में अब हम वहाँ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 2 मैट्रिक्स को कैसे गुणा करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या फिर मल्टी
एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, दो तीन चार पाँच, और एक मैट्रिक्स है बी, एक दो तीन चार, और कोई मेरे तो पूछ लिया भाई ए इंटू बी बताओ क्या होगा। तो यह बात मैं अपने को सिखाने जा रहा हूं कि हम किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अपने फिर बता दूं, आप इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना वरना गलती होने के 95% चांस हैं, सिर्फ 5% ही चांस रहेंगे कि आप इसको पहली बार में समझ जाओगे, मेरी गारंटी है भाई। और जो बालक इसको पहली बार में समझ जावे वो अनुमान लियो उसका IQ लेवल बहुत बढ़िया है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका बेस देख लो भाई, मल्टीप्लीकेशन का बेस क्या होगा। हम छोटा सा एग्जांपल लेवांगे, वो एग्जांपल कुछ भी हो सका भाई, राम श्याम कुछ भी ले लो। मान लो एक है राम भाई, ठीक है, एक है श्याम भाई, एक राम एक श्याम। अब मैं कहूँ कि इसके पास है, इनके पास क्या है, कॉपी है और पेन है। समझियो भाई इसको एग्जांपल में, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। अब मैं कहूँ कि भाई इनके पास कॉपी है दो तीन, पेन है एक और दो, ये है भाई, ठीक है। या फिर मान लो कि ये इनकी आवश्यकता है, मान लो ये क्या है, इनकी आवश्यकता है, आवश्यकता कि भाई इन्हें ये चीज़ चाहिए, राम ने सामने ये चीज़ चाहिए, ठीक है। फिर इन्हें पता लगाया कि भाई इनका रेट क्या है, इन्हें पता लगाया रेट का, तो रुपये में इन्हें रेट पता लगा लिया। मान लो ये था भाई कॉपी का रेट, ये था पेन का रेट, दो रुपये, दो तो नहीं थोड़ा फालतू लो, कॉपी 10 रुपये की, पेन 2 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये वाली कॉपी, 2 रुपये वाला पेन भाई, यू रेट था। अब हमने क्या किया, नॉर्मल देखो, आप मल्टीप्लीकेशन मत करो, आप अपने दिमाग पर सोचो कि भाई ये कितने कितने रुपए देंगे। अगर मैं बात करूँ राम की, सोचो भाई ध्यान से, अगर मैं बात करूँ राम की, राम ने 2 कॉपी ली और 1 कॉपी 10 रुपये की है, यह बात मैं कह सकूँ, प्लस और पेन, पेन उसने 1 लिया और 1 पेन 2 रुपये का है, तो राम कुल मिलाकर कितने रुपये दे देगा, 10 × 20 और 2 कितने दे देगा भाई, 22 रुपये दे देगा। समझते चले जियो भाई बात ने। अब देखो आई बात श्याम की, तो श्याम के पास कितनी कॉपी है, 3, लेकिन उसके बाद कॉपी कितनी है, कॉपी 10 रुपये की है, प्लस उसके पास राम के पास पेन कितने हैं, 2 जो उसने चाहिए, और 1 पेन 2 रुपये का होगा, तो देखो 30 और 4 कितना क्या भाई, 34। तो यह बात है भाई, ठीक है, मतलब कि यह उनकी आवश्यकता थी, ये उनका रेट था और ये उनके टोटल रुपये लगे। अब अगर मैं इस बात ना मिटे दूँ, इस बराबर ना मिटे दूँ, या तो लिखे रहना तो आपके समझ में आती रहेगी। तो ध्यान से देखो, ये अगर मैं इस मैट्रिक्स को, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए बोल दूं और इस मैट्रिक्स को मैं बी बोल दूं कि भाई यो मैट्रिक्स ए है, यो मैट्रिक्स बी है, तो इस प्रकार हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। या जो चीज है, या चीज आपको मैट्रिक्स को देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि कौन सी कड़े गुणा होनी है, ठीक है, यह चीज मैं आपने सिखा दूंगा। तो या क्या कहलाओगी, ए बी इक्वल टू यू कहलाओगी भाई, क्लियर है। तो ए और बी कैसे गुणनफल, गुणा कैसे होता है, वो चीज मैंने आपको सिखा दी है, गुणा करके कैसे जोड़कर दिखाया करें वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आता हूँ इसके बेसिक के ऊपर भाई, जो आपने चीज समझनी है, मेन चीज ये आप समझ गए कि भाई मेन क्रक्स क्या हुआ है गुणाकरण का। अब देखो मेन चीज क्या है, मान लो एक मैट्रिक्स है भाई, मान लो मैं छोटे से एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको जमा में बताया था, ऐड करने में बताया था कि हम ऐड करने से पहले तो नू सीखेंगे कि हम इसको ऐड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि अगर उनका ऑर्डर बराबर हो तो ऐड कर देंगे, नहीं तो वो ऐड ही नहीं हो सकते, नॉट डिफाइंड होगा भाई, परिभाषित ही नहीं है। तो जब मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसा कुछ सिस्टम होता होगा भाई, मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसा कोई सिस्टम होता होगा, तो देखो 1 2 3 4 या फिर 1 और 2 ले लो उसका ली, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में कैसे बेरा लगेगा, अब मान लो हमारे तेन पूछे कि ए बी ज्ञात करो क्या है, तो गुणा करने से पहले याद रखियो हमेशा, गुणा करने से पहले हमने पहले नू देखना पड़ेगा कि यो परिभाषित है कि नहीं, गुणा हो सका है कि नहीं हो सका, क्योंकि हम का पागल बना रहा है। तो यह बात समझियो भाई, गुणा हुआ है कि नहीं हुआ है, यह चीज देखने के लिए हमारे पास एक तरकीब है, सबसे बढ़िया तरकीब, वो क्या है, मैं इसने बी नाड़ा लिखूं भाई ताकि आपको और अच्छे से समझ में आवे, 1 2 यू लिख दिया मैं, ठीक है। गुणा हुआ है अक नहीं हुआ है, यह बात हमको देख सका। देखो सबसे पहले तो देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ बताऊंगा कि क्योंकि हमने पहले नजर में मेरे पार जगह गुणा होगा ना होगा, इसकी ऊपरली रो देख लो, ऊपरली रो में देख लो कितने कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और फिर इसका जिसकी गल गुणा करनी है उसकी पहली कॉलम देख लो, उसका पहला कॉलम देख लो, कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट है, 2। अगर
पहले के रो में और दूसरे के कॉलम में, पहले के पड़े में और दूसरे के खड़े में अगर बराबर एलिमेंट हो, इसका मतलब गुणा पॉसिबल है। दिमाग में सेट कर लो, इस बात ने पहले के रो में दूसरे के कॉलम में अगर बराबर एलिमेंट हैं, पहले के रो में दूसरे के कॉलम में अगर बराबर एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब ये तो था देसी जुगाड़ भाई, जो मैं थोड़ा बता दिया। ईव मेन बात यहां पे देखो भाई, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं तो ऑर्डर क्या लिखूंगा, कितनी रो होगी, तीन कॉलम कितने हो गए, दो कॉलम हो गए, तो मैं क्या लिखूंगा, तीन गुणा में दो लिखूंगा। कोई समस्या इसमें बताओ? अब इसमें देखो इसका ऑर्डर क्या लिखूंगा मैं, बताओ भाई इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आऊगा भाई इसके अंदर दो तरह रो है और कॉलम कितना, कॉलम दो के इसके अंदर। अब देखो ध्यान से भाई, और यह है थोड़ा सा टेक्निकल जुगाड़, इसमें हमने ध्यान देखना होगा, ऑर्डर काट लिया, ऑर्डर देखने के बाद में हमने देखना है कि इसके कॉलम, या फिर कॉलम छोड़ो, इसका दूसरा दूसरी भी जो भी चीज़ होगी दो है, और इसकी पहली चीज़, ये चीज़ जब तक बराबर नहीं होगी तब तक हम गुणा नहीं कर सकते। क्लियर? मैंने आपको दो चीज़ बताई, इसका पड़ियार इसका खड़ा अगर बराबर है, इसका पड़ियार इसका खड़ा अगर बराबर है तो गुणा आराम से हो सकती है। और अगर हम ऑर्डर देख कर बात करें तो सेकंड नंबर पर जो इसके कॉलम आवे और इसके फर्स्ट नंबर पर जो रो आवे वे अगर बराबर है तो भी गुणा पॉसिबल है। क्लियर होगी बात? ये देखो गुणा कैसे करनी है, या बात नोट करते चले जियो भाई। ये देखो हमने देखा कि भाई इसमें दो पड़े हैं, इसमें दो खड़े हैं, इसका मतलब पॉसिबल है गुणा, तो मैंने ए और बी की गुणा करनी चालू करी। कैसे करेंगे भाई बताओ भाई, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखियो भाई, वही चीज करनी है हमने, ठाणा है क्या, क्या ठाणा है, इसका हमने कॉलम लेना है और इसका हमने क्या लेना है, रो लेना है भाई। तो देखो यो एक और यो एक गुणा करेंगे, कितना होगा भाई एक, प्लस यो दो और यो दो कितना आया चार। क्लियर? उसके बाद देखो भाई कोई और कॉलम है, कोई और कॉलम नहीं है तो सिर्फ हमारे पास यो ही ऑप्शन है एक। अब देखो नीचे आगे तो इस नीचे वाले ध्यान माजो भाई, एक की तीन गेल गुणा कितना आया तीन, प्लस चार की दो गेल गुणा कितना आया आठ, पाँच की, अब उस नीचे और आ जाओ भाई, पाँच की एक गेल गुणा पाँच, प्लस छः की दो गेल गुणा मतलब के बारह। अब भाई इन्हें जोड़ लो कितना आया पाँच ग्यारह और सत्रह, ये अपना क्या हो जाएगा भाई आंसर, ए इंटू बी अपना ये हो जाएगा भाई पाँच ग्यारह सत्रह, पाँच ग्यारह सत्रह, ए इंटू बी कितना आया भाई अपना पाँच ग्यारह सत्रह। अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने आपको गुणा करके दिखाई है या गुणा आप कैसे देखो, बिना गुणा करे हम क्यों कर बता सका, इसका जो ऑर्डर आया वो देखो, ऑर्डर इसका क्या आया तीन गुणा में एक, ये ऑर्डर आया ना इसका तीन गुणा में एक। लेकिन मैं अपने कहूँ कि बिना बिना गुणा करे हम इसका ऑर्डर कैसे बता सका, तो वह चीज़ देख लो भाई एक बार, बिना गुणा करे ऑर्डर कैसे बता सका, इसका ऑर्डर क्या था भाई तीन गुणा में दो, जो भी देसी जुगाड़ है भाई, देसी जुगाड़ याद रखी उस बात ने, इसका ऑर्डर क्या है दो गुणा में एक, यो है ना। अब देखियो भाई ध्यान से, यह चीज और यह चीज, ये चीज तो न्यू डिफाइन करेंगी आपका गुणा हो सके है कि नहीं हो सके। क्लियर? इसका लास्ट आला और इसका फर्स्ट आला, ये तो न्यू डिसाइड करेंगे गुणा हो सका कि नहीं हो सका। और याद रखियो इसका फर्स्ट आला और इसका लास्ट आला जो बच गए, ये डिसाइड करेंगे कि जो नया जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। इस बात ना नोट कर लियो अपनी कॉपी में, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट ये तो नो डिसाइड करेंगे कि गुणा हो सका है अगर नहीं हो सका है, और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ये न्यू डिसाइड करेंगे कि भाई जो गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स आओ। ऑर्डर आपको बताया था, आपने ध्यान दिया होता वो तीन गुणा एक का ऑर्डर था, ठीक है, मैंने वो मिटा दिया, तो इस बात ने समझ लियो भाई। अच्छा, ये मैं आपके सामने कुछ एक चीज लिखूंगा, आपने सिर्फ अपने मन में जड़े भी आप बैठे हो नो सोचनी है कि गुणा हो सका है नहीं हो सका है। देखो भाई छोटी सी बात है, एक एक दो तीन चार पांच छः, ठीक है भाई, बी एक दो तीन चार, बताओ भाई गुणा हो सका नहीं हो सका है, आंख मिचते तुरंत देखते ही आप पहली नजर। देखो मैंने देसी जुगाड़ बता दिया था आपने, इसका पड़िया और इसका खड़िया बराबर होना चाहिए, मतलब कि एक दो दो एलिमेंट है, इसमें एक दो दो एलिमेंट है, अगर दो दो एलिमेंट है तो गुणा हो सका है इन एवरी केस। और अगर हम नू बताना होगा जो फाइनल जो ए बी आओगा, ए बी जो भी आओगा उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर हमें ऑर्डर डायरेक्ट बताना हो तो ऑर्डर कैसे बताओगे, हमने बिरा तीन गुणा दो है भाई, तीन तो रो है इसमें दो कॉलम है तो तीन गुणा दो, यो है दो गुणा दो, अब हमने बिरा यो और यो ये बराबर है, ये तो नो डिसाइड करें कि भाई गुणा होगी, और जो यो है और यो है ये नो डिसाइड करें हैं कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा। इवन कि गुणा करके जरा देखते हैं भाई, गुणा करने भी हम लानी चाहिए, न्यू नहीं है भाई, हमने ऑर्डर ऑर्डर का भी रहो, गुणा करने में भी हमारा परफेक्शन होना चाहिए। गुणा करने के लिए वो है, इसका रो उठाओ इसकी कॉलम उठाओ, पहला रो उठाया
पहली कॉलम उठाया, याद रखियो पहले का रो उठाना है और जिससे गुणा कर ला रहे हैं उसका कॉलम उठाना है, तो एक गुणा एक ठीक है, प्लस दो गुणा दो कितना आया चार भाई, क्लियर। अब देखो एक और है ना हमारे पास कॉलम, तो यह चीज चलने दो लेकिन अगला कॉलम उठा लो, तीन गुणा में एक प्लस चार गुणा में दो आठ, ठीक है भाई। अब देखो दोनों रो दोनों कॉलम बारी बारी ले लिए हमने, अब अगले रो पा जाओ और पहला कॉलम उठा लो, तीन एकम तीन और चार दूनी आठ, यू चार यू दो ठीक है। अब देखो यो कॉलम हो गया, अगले कॉलम पा जाओ, रो या रहने दो, तीन तिया नौ चार चौक सोलह, क्लियर भाई। अब देखो रो को दोनों कॉलम हो गए, ई बीस रो पा जाओ, पाँच पाँच एकम पाँच, छः दूनी बारह, अगले चले जाओ पाँच तिए पंद्रह, छः चौक चौबीस भाई। या चीज़ जो मैं थारे सामने लिखने लग रहा हूँ, या चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, इफ तुम लोगों को सर इसका कोई फार्मूला बना के दिखा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इस बात ने याद रखो, पहला जो जिससे साथ गुणा कर रहे हैं, जो अगर ए और बी है, अगर ए बी कर रहे हैं तो ए ठाना है और फिर क्या ठाना है बी ठाना है, और ए का क्या लेना हमने रो लेना है और बी का क्या लेना है कॉलम लेना है, याद रखियो पहले का रो दूसरे का कॉलम लेंगे जब ढंग तक गुणा होगी, ये तो गलत हो जाएगा भाई ठीक है। अब हम इसने अगर कंप्लीट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, पाँच ग्यारह सत्रह ग्यारह ये कितना हो जाएगा पच्चीस, ये कितना हो जाएगा थर्टी नाइन, देखो हो जाएगा नहीं भाई बताओ, आया समझ में, बिल्कुल आसान था ना। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई इसके अंदर तीन गुणा दो का ऑर्डर है और इसके अंदर दो गुणा दो का ऑर्डर है, और जो नया जो भी ए बी जो भी बनाएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तीन गुणा में दो का उसका ऑर्डर होगा। तो देखो क्या ये तीन गुणा दो का ऑर्डर नहीं है, क्या ये तीन गुणा दो का ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल ये तीन गुणा दो का ऑर्डर है। तो यह चीज़ तो आप बिना गुणा कराए भी बता सकते हैं कि भाई ऑर्डर कितने का होगा, तो ये थी मल्टीप्लीकेशन भाई। इब एक बात और ध्यान रखियो, इसने मैं मिटे हूँ, इसी क्वेश्चन में आपने समझा देता हूँ यह बात, अगर कोई नुक है कि ए और बी काट दो तो तुम काट दोगे बड़े इजीली कि हाँ भाई ए और बी की वैल्यू यह है, लेकिन सोचो क्या बी और ए इसके बराबर होगा, क्या ए और बी और ए बराबर हो सकता है, देखो गुणनफल मतलब नॉर्मल बराबर होया करा भाई, हम नॉर्मल गुणा करा करा बराबर होया करा, लेकिन क्या मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है, और बराबर भी छोड़ो पहले तो तुम नू देखो क्या बी ए डिफाइंड है, क्या परिभाषित किया जा सकता है, क्या बी और की गुणा हो भी इसका कि नहीं हो सकता है, तो मैंने बी उठाया पहला, तो बी देखो बी का जो ऑर्डर है वो दो गुणा दो का है, फिर ए उठाया, ए का ऑर्डर क्या है तीन गुणा दो का है, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला देखा मैंने ठाके मिलाया, मिलता ही नहीं, अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अगर मिल ही नहीं रहा तो गुणाएं पॉसिबल नहीं है, बराबर होने की तो बाद की बात है भाई, बी और ए नॉट डिफाइंड है, बात समझियो। अब यहां से मैं आपको एक बात बताऊंगा, बी और ए नॉट डिफाइंड है, ए बी के बराबर होना तो बहुत बाद की बात है, पहले की बात ये कि इनका मान निकालना ही पॉसिबल नहीं है। अब यह बात हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लियो भाई कि जब ए और बी पॉसिबल होता है तो जरूरी नहीं है कि बी और ए भी पॉसिबल हो, क्लियर होगी बात, कि भाई जब ए और बी पॉसिबल होता है तो जरूरी नहीं है कि बी और ए भी पॉसिबल हो। अच्छा अपनी कॉपी में लिखते रहियो भाई, मैं थोड़ी थोड़ी लिखवाया घाट करूं, तब ना लिखनी हो तो लिख लियो, बाकी मैं सीधा समझा दिया करूं भाई। अगर देखो क्या है कुछ एक चीज़ है तो हाँ एक क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन देखो ए है सिक्स नाइन टू थ्री, बी है बी क्या है भाई टू सिक्स ज़ीरो सेवन नाइन एट, यो दे रखा है और मर तक पूछा इसने ए बी बराबर क्या होगा, ए और बी बराबर क्या होगा, सीधी सी बात। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ये ऑर्डर के हैं दो गुणा, सबसे पहले हमने क्या देखना है क्या ए और बी पॉसिबल है, कि वरना नॉट डिफाइंड हो दो गुणा दो, और इसमें देखिए हमने दो गुणा तीन, ये चीज़ आपको देख के समझवा देना चाहिए भाई कि दो रो है तीन कॉलम है तो दो गुणा तीन लिख दिया। अब इसका लास्ट वाला देखा मैंने, इसका फर्स्ट वाला देखा और देख कर बता दिया कि गुणा हो सकती है, या फिर मैंने इसके पड़े देखे और इसके खड़े देखे तो दो और दो बराबर थे तो मतलब ये गुणा हो सकती है, यह बात भी तुम समझ में चालियो भाई। इब अगर हमने ए और बी बताना है ए और बी क्या होगा, तो एक बात तो क्लियर होगी कि या दो और तीन मतलब कि दो गुणा तीन के फॉर्मेट में होगा जो भी आंसर आएगा, यह बात क्लियर होगी। आप हो सके आपके पेपर में अलग अलग फॉर्मेट का ऑप्शन रखे हो तो अपने गुणा करने की जरूरत नहीं पड़े, बस फॉर्मेट चेक कर लियो कि दो गुणा दो बाई तीन में जो आंसर होगा वही अपना आंसर है, अगर अलग अलग में दे रखे हैं तो। अब देखो जानते भाई गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, गुणा करेंगे कैसे करेंगे, मैंने बताया था इसके तो रो ठाने हैं और इसके कॉलम ठाने हैं, तो ठाओ भाई इसने छः दुनी बारह प्लस नौ सते तिरसठ ठीक है। अब देखो ये हो गया, अगला ठा लो रो ये रहने दो, अगला कॉलम ठाओ छः छः छत्तीस प्लस नौ निम इक्यासी, अगला ठाओ भाई छः जीरो जीरो प्लस आठ निम बहत्तर, आगे आ जाओ ये देखो
इस रो के ऊपर हमने तीनों कॉलम चेक कर लिए, तीनों कॉलम लिख दिए, नेचुरल लेप आ जाओ और नेचुरल लेन में आ जाओ। तो देखो दो ये उठा लो, दो दुनी चार, सातिया इक्कीस, अगले में चले जाओ, छः दुनी बारह, नौतिया सत्ताईस, अगले में चले जाओ, दो जीरो जीरो और आठ तिया चौबीस। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, वो देखते रहिए भाई अपने आप, गला गल नौतिया सत्ताईस, ठीक है ठीक है लगभग ठीक है, ये हो गया इतना भाई अपना। आप देखो ध्यान से इसको सॉल्व करते चले जाओ, आप कितना आ गया सेवन फाइव, ये कितना आ गया भाई सात ग्यारह, ये हो गया सेवेंटी टू, ये आ गया भाई ट्वेंटी फाइव, ये आ गया भाई थर्टी नाइन और ये आ गया ट्वेंटी फोर। तो a इंटू बी क्या होगा हमारा भाई, ये होगा। और मैंने क्या बताया था आपको कि दो गुणा तीन के फॉर्मेट में होगा, तो देख लो क्या दो गुणा तीन के फॉर्मेट में नहीं है, बिल्कुल है। तो यह चीज़ भी हमारे सेटिस्फाई होती जा रहा है कि भाई जब हमारे को ऑर्डर बेरा लग गया ना, तो ऑर्डर देख के हम दोनों चीज़ बता सकें गुणा होगा या नहीं होगा, और गुणा होने के बाद जो आ होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, दोनों चीज़ हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ए और बी हो गया। अब मैं अगर थर्ड इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछूं कि बताओ भाई क्या बी और ए पॉसिबल है, क्या बी और ए पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो क्या वो बराबर है दोनों चीज़। अब देखो ध्यान से, अगर बी ए पूछा है तो पहला बी लेंगे, बी मैंने लिया दो गुणा तीन और ए मैंने लिया दो गुणा दो, तो मैंने देखा कि इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि गुणा भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हर एक बार नहीं होगा, कुछ एक किस्म है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर बार ये बराबर भी हो, या जरूरी नहीं है कि हर बार ये बराबर ना हो, बराबर हो भी उसका बराबर नहीं भी उसका हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम कैसे कहा कि बी और ए नॉट डिफाइंड है, बी और ए मतलब बी इंटू ए जो है नॉट डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है, ए इंटू बी कर सकते हैं लेकिन बी इंटू ए नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स में अपने इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, उसका आंसर आपने खुद निकालना है भाई। क्वेश्चन देखो क्या है, थ्री इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, हर एक चीज मैंने आपको करा दी है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है क्वेश्चन को पढ़ो समझो और आंसर बताओ। माइनस वन और यह टू डब्ल्यू, टू डब्ल्यू ये जेड है भाई, कोई भाई दो मान लीजिए जेड है, यू जेड ठीक है, प्लस चार एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू और थ्री, यो क्वेश्चन है भाई थ्री, यो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इनकी वैल्यू बतानी सारे की, ये बतानी है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू सारे की वैल्यू बतानी है भाई ठीक है। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन, और कुछ देखो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता भाई, इसलिए मैं थोड़े से पार्ट्स में कराने लग रहा हूँ। अगर सोचो मल्टीप्लिकेशन करने आना भी हमने लगभग 40 मिनट हो ली, तो सोचो अगर मैं इसके आगे जो और इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो उन चीज़ों में अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो समझाना कि फायदा नहीं भाई, फ्री माइंड का समझाया जाएगा, बढ़िया डाल समझाया जाएगा। पहले ये चीज़ कवर करो भाई अपनी गुणा का चीज़। अच्छा एक बार मैं थर तौर बता दूँ, यो क्वेश्चन अपना कर लियो, अगर थर तक कुछ भी दे रखा भाई ए, कोई भी मैटर से रखा ए, और थर तक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया भाई ए स्क्वेयर बताओ क्या होगा, तो कैसे करोगे, ए दे दे और ए स्क्वेयर पूछ ले तो कैसे करोगे। तो याद रखियो ए स्क्वेयर का मतलब क्या है, ए गुणा में ए, ए स्क्वेयर का मतलब तो ए गुणा में ए हुआ है। तो सीधी बात है, ए जो भी यो मैट्रिक्स है इसके साथ में इससे मैट्रिक्स की गुणा कर दियो, ठीक है ए स्क्वेयर आ जाएगा। और जब क्यूब पूछे तो एक बार फिर कर दियो, मतलब यो करे पाछा एक बार फिर इसकी गुणा कर दियो, ठीक है। तो ये छोटी सी बात और तुम याद रखियो, इसका जो भी आंसर है वो कमेंट में लिख दियो, ठीक है। और भाई ध्यान तक करियो, इन चीज़ों ने प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बता दिया आपको ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके अंदर चौथा चैप्टर है, खोल गए शुरू तक लग जाइयो और एंड तक प्रैक्टिस करियो।